हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसके मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में डिफरेंस और सारे कोऑर्डिनेट को मैंने क्लियर किया था। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बताई थी। तो इससे पहले मैंने जो मेरी प्लेलिस्ट बनी उसमें से आप 3 या 4 वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। आज के जो वीडियो में मैं उसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम है ना, कैसे अपन जब प्रॉब्लम देते हैं एक ही लाइन पर अपन या एक ही रेफरेंस लाइन पे अपन कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो आपने अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये प्रॉब्लम्स ली, यहाँ पर लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ कॉमन रेफरेंस लाइन, मतलब किसी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है अपन को, बनाना है कॉमन रेफरेंस एक ही लाइन पर। कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्शन 30 mm, मतलब जो प्रोजेक्शन है मतलब जो पॉइंट है वो एक दूसरे से एक ही लाइन पे 30 mm की दूरी पे बनाना, मतलब पहला पॉइंट का प्रोजेक्शन बनेगा, फिर 30 mm दूरी पर दूसरे का बनाना, फिर 30 mm तीसरे का बनाना, इस तरह सारे 30 mm की दूरी पर बनाना है बिटवीन देयर प्रोजेक्टर। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया पॉइंट ए इज 20 mm बिलो द एच पी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी। अब अपन सिचुएशन देखते हैं, सबसे पहले उससे अपन ये देखते हैं किस एंगल बनाना है इसको। तो इसमें लिखा है बिलो द एच पी इन फ्रंट ऑफ बी पी। अब हमने एक ही चार्ट बनाया हुआ है, दिख रहा होगा चार्ट आपको, ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट मैंने बना के रखा, आप भी बना के रख सकते हैं, जिससे आपको तुरंत आपको ये देखने को मिल जाएगा किस एंगल में मान रहा है। तो लिखा है बिलो द एच पी। अब इसमें देखेंगे बिलो द एच पी कहाँ है, तो बिलो द एच पी एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लें आप, मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, अभी लाइन दिख रहे हैं इसलिए हम लाइन बोल रहे हैं, लेकिन ये प्लान बोलते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल प्लान, ये वर्टिकल प्लान। ये होता फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल। अब अपन पोजीशन देखते हैं, ये जो लाइन है इसके सामने बना हुआ है तो इसके इन फ्रंट ऑफ बी पी बोलते हैं, और इसके ऊपर ऊपर होता है अबव द एच पी बोलता है। इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट होता है तो बिहाइंड द बी पी, इसके ऊपर होता है अबव द एच पी। इस तरह थर्ड एंगल बनेगा, ये देखो इसका अपोजिट क्या होगा बिलो द एच पी, इसके अपोजिट क्या होगा बिहाइंड द बीपी। इसमें बिलो द एच पी और बिहाइंड सॉरी इन फ्रंट ऑफ बीपी क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द बीपी, इन फ्रंट ऑफ द बीपी। तो ये चारों पोजीशन बनती है अपनी। अब चारों पोजीशन तो अपने पढ़ ली हैं, अब अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि अब अपन कैसे पहचाने। तो बिलो द एच पी, बिलो द एच पी तो इसमें है और इसमें, दूसरा क्या इन फ्रंट ऑफ द बीपी, अब इसमें बिहाइंड है इसमें इन फ्रंट है, तो दोनों पोजीशन जिसमें मिल जाए वो अपना एंगल हो जाएगा। तो बिलो और इन फ्रंट, तो ये वाला मिल गया, तो इसमें एक चीज़ पता पड़ेगी कि फोर्थ एंगल है अपना। तो फर्स्ट पॉइंट बनाना किसमें बनाना, फोर्थ एंगल बनाना, इस एंगल बनाना। और दूसरा क्या देखते हैं कि अब बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने रूल बताया था रेफरेंस लाइन बनाते, रेफरेंस लाइन मतलब एक्स वाई लाइन भी बोलते हैं उसको। तो एक्स वाई लाइन इसमें हमने बना के दिखाई है कि इसमें कैसे बनती है। फोर्थ एंगल में एक्स वाई लाइन बनाएंगे और बी पी और एच पी दोनों ही नीचे रहते हैं। ये मैं समझा चुका हूँ कैसे रहते हैं, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे जो प्रोजेक्शन बनते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन है या रेफरेंस जो लाइन होती है उसके वर्टिकल बनते हैं। अब वर्टिकल बनते हैं तो क्या करते हैं, जो वर्टिकल लाइन है वो तो वर्टिकल ही रहेगी, तो उसको अपन टच नहीं करते हैं, उसको जैसी रहने देते हैं वैसी रहने देते हैं। अब दूसरी जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको भी वर्टिकल करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि रेफरेंस लाइन के हमें परपेंडिकुलर बनाना है प्रोजेक्शन। जो रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर बनाना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा मूव कराते हैं क्योंकि उसको परपेंडिकुलर करना पड़ता है किसके, एक्स वाई लाइन के। तो अपन वर्टिकल लाइन फिक्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कराते हैं। अब फर्स्ट एंगल दिख रहा है, फर्स्ट से समझाता हूँ, ये फिक्स रहेगा क्योंकि वर्टिकल परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन के ऑलरेडी। तो इसको हम क्या करेंगे, एच पी को या हॉरिजॉन्टल प्लेन को मूव कराएंगे कहाँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराते हैं। अब इसको हमेशा अगर क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ऐसी क्लॉकवाइज आएगी, एच पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, एच पी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बी पी कहाँ ऊपर हो जाएगा, एच पी कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो हमने इस तरह देखा एक्स वाई लाइन के फर्स्ट एंगल में क्या होता है, बी पी ऊपर होता है, एच पी नीचे होता है। इस तरह सेकंड देखते हैं, सेकंड में देखिए ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी, तो उसको टच नहीं करेंगे, उसको मूव नहीं कराएंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको मूव कराना पड़ेगा, कैसा ले जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन की। तो उसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे, हमेशा क्लॉकवाइज में कराते हैं, तो इसको क्लॉकवाइज में कराएंगे तो कैसी होगी, ऐसी मूव होगी, मतलब ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, तो एक हाँ बी पी के ऊपर ही आ जाएगी, बी पी के ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बना के ऑलरेडी आपको समझा दिया, एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर बी पी और एच पी दोनों ही ऊपर रहेंगे। तो इस तरह अपन जब ड्रॉइंग करेंगे तो एक्स वाई लाइन बना देंगे, बी पी और एच पी दोनों ऊपर बनाएंगे। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में देखते हैं
अभी वर्टिकल लाइन है ये फिक्स रहेगी, इसको टच नहीं करेंगे। दूसरी लाइन इसकी कौन सी, ए वाली है, तो इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन की, इसको परपेंडिकुलर करना है, तो इसको मूव कराएंगे तो एच पी ऊपर पहुंच जाएगा, बी पी नीचे आ जाएगा। तो देखो एच पी ऊपर है, बी पी नीचे, जब भी ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन खींचेंगे, एच पी ऊपर बनाएंगे, बी पी नीचे। इस तरह फोर्थ एंगल एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ एंगल वर्टिकल लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, है ना, किसको मूव कराएंगे, हॉरिजॉन्टल कैसा, क्लॉक वाइज, क्योंकि वर्टिकल एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई को परपेंडिकुलर करना है अपन को, तो इसको जब मूव कराएंगे तो ये नीचे आ जाएगी, क्लॉक वाइज मूव करा रहे, तो एच पी वी पी दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे रेफरेंस लाइन की, तो एक्स वाई लाइन की वी पी और एच पी दोनों ही नीचे रहते हैं। ये हमारे कंसेप्ट थे कोऑर्डिनेट के। अब अपन ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ से ड्रॉ करना, तो अब कितना दिया है, तो अपन ने पहले ही पहचाना फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल है, ठीक है, फोर्थ एंगल है 20 mm बिलो द एच पी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो बिलो द एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है। कौन सा एंगल है, फोर्थ, फोर्थ एंगल है, दोनों ही नीचे बनेंगे, एक्स वाई लाइन होगी, दोनों ही नीचे बनेंगे, मतलब वी पी भी नीचे होगा, एच पी भी नीचे होगा, तो कितना है 20 mm और 50 mm, तो अपन एक ही लाइन बनाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे 20 mm और 50, तो ऐसे ही 50 mm पे एक लाइट, देखिए अब ड्राइंग कर रहे हैं हम, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा चुके हैं। फर्स्ट का कर रहा है कितना, 50 mm है, नीचे ही है, देख लीजिए आप, ऐसे यहाँ से एक लाइन खींच देंगे 50, ये लाइट होगी, लाइट मतलब 3S से बनाएंगे या 2S से, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, इसको मैं डार्क है वो रेड से बना देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ होगा। अब इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, ए दिया है, देखो ए दिया है, तो ये स्मॉल से शो कराएंगे। अब इसमें दोनों ही नीचे होते हैं, दोनों ही नीचे होते हैं, एच पी और वी पी, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, सॉरी ये है, तो स्मॉल ए से शो कराएंगे, स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए, ठीक है। वैल्यू देख लेते हैं किसकी नीचे है किसकी ऊपर है, तो 50 इन फ्रंट है तो इसको डैश दे देंगे, इसको विदाउट डैश दे देंगे। अब इसकी डायमेंशन देंगे, 20 पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20 और 50 से मतलब है, इससे मतलब नहीं, सॉरी, ये 20 एक पॉइंट लगा दिया, एक यहाँ पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, ये कोई पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये क्या हो गया, ए और ए डैश, यहाँ पर इसकी डायमेंशन देंगे कितना है, 20 mm, और ये कितना है, 50 mm, ये मैं फ्री हैंड बना लूँ, आपको स्किल से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पॉइंट बी इज इन द एच पी, मतलब ए इन द एच पी ऑन द एच पी बोले, मतलब वो पॉइंट है लाइन पर ही है। सेकेंड पोजिशन क्या दिया, 40 mm बिहाइंड द वी पी, अब इसको समझ लेते किस एंगल बनाएंगे। देखो इन द एच पी मतलब रेफरेंस लाइन पे हो गया सीधा, मतलब आप यहाँ पर समझें, इन द ऑन द बोलता है रेफरेंस लाइन पे, बीच सेंटर पे है। दूसरा बोल रहा है 40 mm बिहाइंड द वीपी, अब बिहाइंड कहाँ, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो ये तो सेकेंड बनेगा या फोर्थ बनेगा। अब अपन देख लेते हैं किसमें बनेगा, क्यों, क्योंकि अपना 40 mm बिहाइंड द वीपी, मान लो 40 mm बिहाइंड द यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो कहाँ आएगा, इसी लाइन पर आएगा, इसके यहाँ पर आएगा। अब ऐसा तो बनता नहीं प्रोजेक्ट, ये तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इसको मूव कराएंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मूव कराएंगे, है ना, तो कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा, एक इंदा हो जाएगा, ये कहता बिहाइंड द वीपी हो जाएगा, है ना, बिहाइंड द वीपी मतलब ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, सेकंड एंगल बनेगा, सेकंड एंगल दोनों ऊपर होते हैं, दोनों ऊपर होते हैं, दोनों ऊपर ड्रॉ कर देते हैं अपन। देखो 30 mm का गैप, ये सब में 30 mm का गैप लिया मैंने, जो पॉइंट बनाए हुए हैं आपको ऐसे ज़्यादा दिखाना नहीं डार्क, हम तो एक आपको दिखाने के लिए बनाए, ऐसे पॉइंट बनाए 30 mm के, सभी 30 mm की दूरी पर हैं, तो कितना है 30 mm, एक तो पॉइंट यहीं पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, और कितना दिया 40 mm, 40 है तो यहाँ से मेजर कर दिया, ग्रीन ले रहा हूँ मैं लाइट के लिए, ऐसा मेजर कर दिया, ठीक है, कौन सा पॉइंट है बी, तो बी स्मॉल दे दिया, जो ऊपर है डैश आएगा और यहाँ पर विदाउट डैश आएगा, क्योंकि वी पी में डैश आता है और एच पी में विदाउट डैश आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया है पॉइंट सी इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी एंड इन द एच पी, इन फ्रंट ऑफ द वी पी और इन द एच पी, मतलब इन द बोल दिया मतलब एक लाइन पे हो गया, मतलब यहीं हो गया। दूसरा है इन फ्रंट ऑफ द वी पी, इन फ्रंट मतलब बोले एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, अब इसको मूव कराएंगे वो देख लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे मतलब नीचे की ओर आएगा, इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे क्योंकि एच पी पे बन रहा है, तो एच पी को क्लॉकवाइज मूव कराएंगे मतलब थर्ड एंगल पे आएगा,
सॉरी फोर्थ एंगल पे आया, क्योंकि यहाँ मूव हो रहा है तो मतलब ये जो इन फ्रंट है इधर वाला है तो ये फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल आएगा तो दोनों ही नीचे बनेंगे, दोनों नीचे बनेंगे तो दोनों नीचे बना देंगे, कितने कितना है 30 mm, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm इन फ्रंट इस पॉइंट से बनेगा तो अपन खींच देते हैं 30 mm, हो गया, इसके पॉइंट बना देते हैं, दोनों नीचे हैं तो ये एच पी की पोजीशन दी है क्या सी, और जी डैश हो गया 30 mm पर, तो इसको डैश बना देते हैं, इसको विदाउट डैश बना देते हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन देखते हैं, डी पॉइंट डी इज 50 mm एबव द एच पी एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी, एबव और बिहाइंड, एबव मतलब बोले तो ए होगा और इधर ए होगा, और दूसरा बोला बिहाइंड, बिहाइंड मतलब ये है ना, बिहाइंड इधर है तो बिहाइंड अबव, तो सेकंड किस में बनेगा सेकंड एंगल में, तो सेकंड एंगल में ड्रॉ कर देते हैं, सेकंड एंगल में ड्रॉ करेंगे तो ऊपर दोनों ऊपर ही आएंगे, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आएंगे, कितना दिया 50 और 30, तो सबसे पहले 50 की खींच देते हैं, 50 सबसे पहले खींच देते हैं क्योंकि बड़ी हुई है, 50 खींच दिया, जो ग्रीन है मैं लाइट ले रहा हूँ, आपको लाइट पेंसिल लेना है, ये कितना है 1.A हो गया, 1.A हो गया, ये सबकी डायमेंशन देना है ना, ये कितना था बी 40, ये 40 था, ये कितना था 30, ये 30 था, और ये था, ये कितना हो गया 50, दूसरा पॉइंट कितने में 30 पे, 30 पे अपन इस पर देख लेते कहाँ है, तो ये 50 का हो गया, 50 का क्या दिया है एव ऑफ द एच पी, तो ये हो गया डी, और 30 mm बिहाइंड द वी पी, तो ये हो गया बिहाइंड मतलब ये डैश हो गया, वी पी वाला हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट ई 20 mm बिलो द एच पी एंड 50 mm बिहाइंड द वीपी, बिलो और बिहाइंड कहाँ होता है, देखो तो बिलो ये लिखा है, बिहाइंड ये लिखा हुआ है, मतलब थर्ड एंगल होगा एच पी ऊपर और वी पी नीचे, मतलब एच पी की वैल्यू वी पी बनेगी, वी पी की वैल्यू एच पी बनेगी, है ना, कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार और बता देंगे अभी फिर से, आप इसके जस्ट पहले वाला दूसरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये कैसे एच पी नीचे बनता है, कैसे ऊपर बनाएंगे, अपोजिट वैली क्यों बनाते हैं, मैंने पूरा क्लियर किया है ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, कैसे क्या क्या 20 mm बिलो द एच पी, मतलब बिलो द एच पी, एच पी ऊपर है तो नीचे बनेगा, कितना 20 mm, ड्रॉ कर देता हूँ 20, और ऊपर कितना जाना है 50 mm बिहाइंड, अभी 50 mm बिहाइंड, यहाँ से 50 कर देते हैं, एक ही पॉइंट पे आएंगे, एक ही लाइन, क्योंकि एक दूसरे के प्रोजेक्शन है, ये लाइन है उसको प्रोजेक्टर लाइन बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, प्रोजेक्टर डाले हुए हैं अपन ने किस पे, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि एक दूसरे का प्रोजेक्शन है वो, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ई और नीचे हो गया, अब ऊपर क्या एच पी है तो ये विदाउट डैश होगा, नीचे बी पी है तो ये डैश हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बचा हुआ क्या, पॉइंट एफ इज इन द वी पी, मतलब इन द वी पी बोले तो एक लाइन पे आएगा एक्स, यहाँ पर सेंटर पे मान लो 50 mm बिलो द एच पी, बिलो द कौन सा होता है, ए होता है, ए होता है, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, बिलो सॉरी बिलो ए होता है और ए होता है, 50 mm बिहाइंड द वी पी सॉरी 50 mm बिलो द एच पी, मतलब इधर आया नीचे, नीचे आएगा तो मतलब इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे बनेगा तो किस में बनेगा फोर्थ एंगल में, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर इसको मूव तो करा नहीं सकते क्योंकि वर्टिकल लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर नहीं होती उसको अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये नीचे आया तो ओनली फोर्थ एंगल बनेगा, फोर्थ बनेगा तो दोनों नीचे बनेंगे, दोनों नीचे बनेंगे तो बना देते हैं, कितना है 50 mm, तो ये 50 mm बना देते हैं, ये 50 हो गया, इसकी डायमेंशन जो थी कितनी थी 50, नीचे थी 20, ठीक है, ए कितनी है 50, दोनों नीचे हैं, वैल्यू किसकी दी है 50 mm बिलो द एच पी, तो जी हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ डैश,
क्योंकि इन द एचपी बोला तो एचपी की वैल्यू वहीं पर बन गई। तो इस तरह आप उन्हें ड्राइंग करते हैं नॉर्मल, बहुत ईजी होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आप मेरे अगर तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा भी इसके कंसेप्ट हमारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या प्रोजेक्शन कोई भी क्वेश्चन करेंगे सब में यूज होना। तो इससे अच्छा आप मेरे पूरे वीडियो क्लियर देख लें एक बार, अच्छी तरह समझ लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी है, मैंने ये चार्ट तो आप याद ही कर लें, एक बार बना के रख लें। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। एक्स वाई लाइन के एच पी वी पी कहाँ पर आता है वो समझ लें, है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू इसके ऊपर बनती है, इसमें अपोजिट वी पी की एच पी में, एच पी की वी पी में बनती है ना। ऐसे वी पी की जो भी वैल्यू होगी इनफ्रंट या बिहाइंड वो यहाँ बनेगी, एच पी की जो भी वैल्यू दी होगी किसकी एवा या बिलो वो यहाँ बनेगी। इस तरह इसमें दोनों दी हैं तो ये दोनों ही नीचे बनती हैं, दोनों ही कहाँ बनती हैं नीचे बनती हैं, इसमें भी दोनों कहाँ बनती हैं ऊपर बनती हैं। इसकी वैल्यू एच पी से एवा व बिलो दिया दिया तो एक्स वाई लाइन से नीचे की ओर बनेंगी, और इससे इनफ्रंट या बिहाइंड दिया तो एक्स वाई लाइन से ऊपर की ओर बनेंगी। इस तरह इसमें वैल्यू लेते हो क्यों बनती हैं ये मैं सेकेंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप अच्छी तरह देख लें। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक वीडियो था मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिससे कि आप क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि उसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चन करके मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। थैंक यू फ्रेंड्स।